मेरे को प्री बर्थडे गिफ्ट देने वाली है और इनका कहना है कि मेरे को लैपटॉप दिलवाएंगी एप्पल का भाई, और फिर उसके बाद हम कुछ थोड़ा बहुत देखेंगे, खाने पीने जाएंगे, आज थोड़ा घूमने का, थोड़ा चिल करने का हमने भाई। देख लो लगभग 2.5 लाख रुपए का भाई, 2.5 लाख रुपए में गाड़ी आ जाती है यार। ओ भाई वो दिखाऊंगा मैं आपको डेंट, वो डेंट भाई गाड़ी पे नहीं, वो डेंट यहाँ आया है दिल पर आपके भाई के। वो लैपटॉप लेते लेते लड़की ने पता मैं कहाँ पहुँचा दी है, तिहाड़ जेल। पूरा जेल टाइप का बना हुआ है। कौन से केस में आए थे अंदर? कौन से केस में आए थे अंदर? भाई देख लो जेल की रोटी पैसे दे के खा रहे हैं हम लोग, फ्री में खाना नहीं पसंद करते हम, पैसे दे के खा रहे हैं। चलो भाई अटकड़ी लगा रहे हैं यार, बताओ क्या करूँगा यार, बिना मतलब में भाई आप बताओ गलती करती क्या यूट्यूबर बन के, जो यहाँ पे आते हैं उसको बंद किया जाता है। अब देखते हैं जेल का खाना कैसा है, जेल की खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। ये आ गया हमारा खाना, अच्छा पराठा और ये हमने ऑर्डर किया है हमारी, खाना तो सारा खा जाएगी और हम खा नहीं पाएंगे। तो अब हम ये वीडियो को यहीं रोकते हैं, हम अब खाने के बाद मिलते हैं यार, खाना खाने दो। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। और भाई आज का व्लॉग रहने वाला है थोड़ा, हमारी जो बहन है वो थोड़ी ज्यादा भावुक हो जाती है और ये है ये थोड़ी क्या बोलूं, छोड़ो मैं बेइज्जती होगी, कहेंगे कि व्लॉग में मेरी इंसल्ट कर रहा है। तो भाई ये जो है ना मेरा, मेरे को प्री बर्थडे गिफ्ट देने वाली है और इनका कहना है कि मेरे को लैपटॉप दिलवाएंगी एप्पल का। भाई मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि दिलवाएंगी नहीं देने, क्यों भाई तुझे यकीन हो रहा है? तू क्यों मुंह छुपा के बैठी है? मुंह दिखाई करनी पड़ेगी तेरी, मैं दिलवा सकती हूं। भाई यकीन तो नहीं है हमें कि दिलवाएगी, बाकी कोई भरोसा भी नहीं है इसके दिमाग का, ये जो औरत है बहुत ज्यादा तो भाई देखते हैं हम थोड़ा, मतलब पहले जाएंगे अपने घर के पास ही, हमारी एक शॉप है, शॉप तो नहीं कहेंगे उसे, शोरूम कहेंगे, वहां पर एप्पल का लैपटॉप देखेंगे और अगर हो सकता है दिलवा दे, मेरी किस्मत अच्छी होगी तो हो सकता है मेरे को आज लैपटॉप मिल जाए मेरा प्री बर्थडे गिफ्ट, और फिर उसके बाद हम कुछ थोड़ा बहुत देखेंगे, खाने पीने जाएंगे, आज थोड़ा घूमने का, थोड़ा चिल करने का हमने डिसाइड किया है। तो मिलते हैं सीधे लैपटॉप वाले के शोरूम पे पहुंच के। भाई आ गए हम यहाँ पर और देखते हैं दिलवा रही नहीं दिलवा रही, मेरी किस्मत में है या नहीं। कौन सा दिलवा रही हो फिर? 33.7 यार गिफ्ट मुझे दिलवा रहे हो, मेरे से कोई पूछ नहीं रहा कि कौन सा वाला है। तो बस तेरे को तो बस नाम होगा ये ले। देख रहे हो भाई किस तरीके से मेरा चूतिया काटा जा रहा है कोई तुम देख लो, मेरे से तो कोई पूछ नहीं रहा। ये कौन सा है? ये चाहिए मुझे, ये चाहिए मुझे। 2 लाख कितने का है? ये बहुत बड़ा है यार, बहुत ह्यूज है। भाई देख लो लगभग 2.5 लाख रुपए का भाई, 2.5 लाख रुपए में गाड़ी आ जाती है यार। देख लो भाई क्या कह रही है गाड़ी, यस वी लव कार्स। वो अच्छा है यार, क्या कह रही है? कह रही हूँ उस पर लेमिनेशन करा लेंगे। ओ भाई वो मैं खुद करवा लूंगा, मेरा है तू मेरा है नो, आपका बस नाम है, तेरा बस बर्थडे प्रेजेंट है उसको। फिर यार शर्म करो, आपने बचपन में भी मेरे साथ ऐसे ही करा था। कौन बनेगा करोड़पति बेचारा, हम तो वापस करके पैसे ले आएंगे यार। तो भाई ये देख लो इस लड़की ने दोबारा हमें पागल बना दिया है, 2 घंटे हमारे खराब करने के बाद, कभी फ्यूचर वर्ल्ड, कभी और कौन कौन सा मेरे को नाम नहीं पता, कभी क्रोमा, कभी ये कभी वो, इधर उधर घुमाने के बाद कोई ना कोई भाना हर बार की तरह के कल देखते हैं या कुछ भी है। मैंने जैसा कि बोला था आपको कि एप्पल का सॉफ्टवेयर इतना फास्ट वर्क नहीं करता होगा जितना इस लड़की का सॉफ्टवेयर इतना फास्ट वर्क करता है, वही इसका मोड चेंज हो गया, साइको मोड से नॉर्मल मोड पे आ गई। और ये देखो भाई मैं कह रहा था ना साइको है थोड़ी, तो भाई नहीं हूं मैं। चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? पागल तो यार देखो चूतिया तो मेरा कट चुका है और इसके चक्कर में एक अपनी गाड़ी पे आ गया डेंट, ग्रैंड विटारा पे आज अपना नया डेंट आया, पहला डेंट जो है अपनी नई गाड़ी पे पहला डेंट आया, और बिकॉज ऑफ हर दिस गर्ल। और भाई वो दिखाऊंगा मैं आपको डेंट, वो डेंट भाई गाड़ी पे नहीं, वो डेंट यहाँ आया है दिल पर आपके भाई के दिल पर, नहीं है, मैं और गुनहगार है सिर्फ ये लड़की, ऐसे मत बोल।
तो भाई अब हम कुछ खाने चलते हैं यार, भूख लग रही है अभी, देखते हैं कुछ खिलाएगी नहीं खिलाएगी। अगर इसने नहीं खिलाया तो भाई फिर इसकी ढंग से हम ट्रीटमेंट करेंगे, गाड़ी के अंदर ही आज से पे लेंगे। अगर खाना भी नहीं खिलाया तो अब भाई भूख लग रही है, कुछ खाना है। तो भाई हम लेने जा रहे थे अपना लैपटॉप, और लैपटॉप लेते लेते इस लड़की ने पता मैं कहाँ पहुँचा दिया, तिहाड़ जेल। मैं आपको दिखाता हूँ, तिहाड़ जेल खाना खाने के लिए लाई है। ये हमारे पीछे देखो कैदी खड़े हैं और पुलिस वाले खड़े हैं। भाई मैं आपको बताता हूँ, ये तिहाड़ जेल नहीं है, ये केज कैफे अपना आपका कड़कड़ूमा में खुला है और हम यहीं पर खाने आए हैं और खर्चा सारे यही करेगी। ये भाई ये केज कैफे है और अब हम यहाँ से एंट्री करेंगे। ये देखो यहाँ के कैदी हैं, पुलिस वाले हैं, और ये कैफे की एंट्री है। देख लो भाई पूरा जेल टाइप का बना हुआ है। भाई यहाँ यहाँ जाना है क्या, मैं यहाँ रहना है क्या, मैं हाँ? आप कितने टाइम से हो यहाँ पर? कौन से केस में आए थे अंदर? कौन से केस में आए थे अंदर? मुझे तो बिना तर... मैं तो इन दोनों के साथ रहने के चक्कर में यहाँ आ गया हूँ। भाई देख लो जेल की रोटी पैसे दे के खा रहे हैं हम लोग, फ्री में खाना नहीं पसंद करते, हम पैसे दे के खा रहे हैं। भाई बंद कर दिया हमें जेल में। भाई तो देख लो मतलब अच्छे हैं, खाना खिलाने के बाद आजाद कर देंगे कह रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या ऑर्डर करें आप बताओ। तो भाई अभी कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं, उसके बाद खाना ऑर्डर करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा क्या कुछ ऑर्डर करा है हमने, और ऑर्डर करने के बाद खाएंगे पियेंगे और यहाँ से जाएंगे फाइनली जेल से बाहर निकल। जैसे कि भाई ने बोला जेल से भाई निकाल देंगे, ठीक है ना, फेक जेल है असली नहीं। भाई हमारे ठीक सामने धारा 357 में बंद है, धारा 357। और मैं आपको अपना दिखाता हूँ, हम लोग किस में कह दें, किसमें लगता है, क्या जुर्म करा है तुमने? केज कैफे चौकी, हमारी कौन सी धारा है भाई? तो हमारा कोई बहुत ज़्यादा बड़ा जुर्म नहीं है, इसका मतलब छोटा मोटा हमने क्राइम करा और हम यहाँ आ गए हैं बोले उठ के। केज कैफे चौकी, कैफे चौकी में हम चौकी में बैठे हैं भाई, हम हैं पुलिस वाले। अरे कहना क्या चाहते हो? बोले आ गए बंदूक। भाई ये देखो डरा रहे हैं, बिना कुछ किए यार बंद कर दिए, जितने ऊपर से डरा हो रहे हैं, बोलिए दिखा दिखा के लकड़ी लेके आ रहे हैं। चलो भाई लकड़ी लगा रहे हैं, बताओ क्या करूँगा यार बिना मतलब में। अगर आप लोग देख रहे हो तो आप प्लीज मेरी हेल्प करें, तो मुझे यहाँ से बचाएं, मुझे वो क्या करा कर। लेकिन बहुत बड़ा यूट्यूबर है, लोगों को पागल बनाता है। बंद कर रहे हैं जेल में, जेल में तो आज बंद कर रहे हैं जेल में। भाई आप बताओ गलती करती क्या, बंद किया जाता है। अच्छा लगा, अगर आपको पसंद आया तो यहाँ पर एक बार जरूर आना है, चलना पड़ेगा, कहाँ लेके जाओगे यार? अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। जा चुका है और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं एंड वी आर लाइक वेटिंग फॉर द फूड। अरे ले भी आए उसको वापस, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? बड़ी जल्दी तेरा गुना गुना पराठे दे दे, इसने पराठे पराठे देखे आए, पराठे पुलिस वाले बग गए। अब हम खाना अब देते हैं, जेल का खाना कैसा है, जेल का पानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल में बिस्लरी वाटर है, जेल में बिस्लरी वाटर है, पहली बार ये। तो भाई लकड़ी खोल दिया भाई ने,
अरे खाना खा लो उसके बाद में ले जाएंगे। देख लो भाई देख लो, अब इनकी बारी है। मैंने तुम क्या किया? ये बहुत बड़ी जुर्म करने वाली लड़की है। मैंने ऐसा कुछ जुर्म नहीं किया, मैंने किया अच्छे से साफ कर दिया मुझे। मैं कैसे निकलूं? ओ भाई सही है यार, सही आओ यार, यहाँ पर मजा आएगा। ये काफी यूनिक चीज है। नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे। नेक्स्ट टाइम अब हम हर बार आएंगे, जब भी मुझे सीनियर ने मुझे जेल में बंद किया है, ये पुलिस वाले भैया हैं और मैं गिरफ्तार हो चुकी हूँ, जिन लोगों ने मेरे अगेंस्ट कंप्लेन की थी, तब जेल का खाना खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। भाई वही हिसाब है, आज वही चीज हो रही है हमारे साथ। कोई नहीं, मम्मी को ले भाई, नेक्स्ट टाइम अपनी मम्मी को भी लेके आएंगे, हम यही सोच रहे हैं। तो देखते हैं, अभी मजा तो आ रहा है यहाँ पर काफी, अच्छा एटमोसफेयर है यहाँ का। मुझे तो सब जगह ये चीज चल रही है भाई, जेल में फैसिलिटीज अच्छी हो गई है, देख लो काफी अच्छे से ट्रीटमेंट करा जाता है जेल में आने वालों का भी। तो इस जेल में आप जरूर आएं, मैं आप सबको ये बोलूंगी, आके चैनल मेरा है, मुझे रिलीज करना। और सिक्के वाली प्याज देना है जेल में, जो मस्त है, साथ में पुदीने की चटनी, जो मेरी तो बहुत फेवरेट है, आप लोगों की है। बाकी हम खाने का टेस्ट, खाने को टेस्ट करके बताएंगे उसका रिव्यू क्या है। खाना सारा मैंने ऑर्डर किया है, मैंने इनका पागल नहीं बनाया। फाइनली चलो कुछ तो मिला। लैपटॉप भी लेना है भाई, लैपटॉप भी लेना है, इससे ध्यान रखना आप सबको मिल करके। इससे नहीं होती भाई, इसको बंद करवा के जाऊंगा मैं आज यहाँ पर, और इसके ढंग से ट्रीटमेंट। हाँ ठीक है ना, इसको यहाँ पर आज कैद करवा करके ही जाएंगे। जो इसने आज मेरे साथ किया है ना, उसके जुर्म की सजा इसको जरूर मिलनी चाहिए। ठीक है, ये छोटे मोटे मजाक तो चलते रहते हैं, क्यों सही कहते ना आप लोग। तो ये आ गया हमारा खाना, लच्छा पराठा, गार्लिक नान भाई मेरा फेवरेट सब्जी, पनीर बटर मसाला भाई, अभी आप काफी अच्छा लग रहा है देखने में सब कुछ। ये भैया बहुत अच्छे हैं, कोई भी आओ तो इनसे जरूर मिलना। थैंक यू सर, मैं आपको खाना दिखाता हूँ। और ये हमने ऑर्डर किया है हमारी दाल मखनी, पनीर बटर मसाला और लच्छा पराठा, और भाई मेरे फेवरेट गार्लिक नान, ये मेरे को बहुत पसंद है, मैं ज़रूर करता हूँ कोई भी बैठता हूँ ऑर्डर। और अब हम खाना खाएंगे, फ़ोटोशूट चल रहा है इनका, स्नैप। खाना ठंडा हो जाएगा भाई, जल्दी खा लो, चलो चलो। तो खाना आ गया हमारे सामने, जो दाल मखनी देख रहे हैं, बिल्कुल ही थिक ग्रेवी है, बढ़िया है, कैंपिंग एकदम मज़ेदार। इसको मैं ले लेती हूँ अपने लिए और हमारे लिए, आपके लिए भी देंगे आपको। वेट जो, और देखो भाई आप ये देखो पनीर बटर मसाला है, तो मुँह में अभी से पानी आ गया भाई। आज से हमारे चैनल पे ना, जो जितने भी व्लॉग वीडियोस है यही कवर करेंगे सारे, ठीक है। इनको बड़ा नया कीड़ा चढ़ा है। बढ़िया पनीर बटर मसाला है और इसकी थोड़ी थिक सी ग्रेवी है, रिच ग्रेवी, जो बड़ी ही कैंपिंग लग रही है, साथ में प्रेजेंटेशन भी बहुत ही अच्छी है, नो डाउट। तो हम ये बड़ा अपना गार्लिक नान भाई, ये मेरे को लग रहा है ये चलाकी कर रही है हमारे साथ, ये ब्लॉग बनाने बनाते सारा खा जाएगी और हम खा नहीं पाएंगे। तो अब हम ये वीडियो को यहीं रोकते हैं, अब खाने के बाद मिलते हैं यार, खाना खाने को। हाँ। भाई मुझे तो लग रही है बहुत जोर की भूख, मैं पहले खाऊंगा यहाँ पर अपना खाना, और खाना खाने के बाद उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। टेस्ट करके आपको बता भी देते हैं, टेस्ट भाई बता देते हैं साथ में, एक कैसा खाना है, उसके बाद हम वीडियो को करेंगे क्लोज। मीठी जरा डाल दो, हरी मिर्ची डाल दो, ग्रेवी डालो भाई, देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है यार, नो डाउट। पनीर बटर मसाला बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रेवी दिखा दूँ आपके पास से, ये जो मैंने तो ग्रेवी ली है, ये ग्रेवी देखो यार बहुत टेस्टी लग रही है। ये लेंगे हम एक पराठा, अपना एक पीस लच्छा पराठा का, और एक पीस लेंगे अपना गार्लिक नान का, थोड़ी सी पुदीना चटनी है, उसके बिना तो बेकार है। मैंने दाल खाई है, आपने बनाया पटेल का। तो गाइस मैं टेस्ट कर रही हूँ गार्लिक नान के साथ, नेक्स्ट लेवल है।
का नेक्स्ट लेवल, बहुत टेस्टी है गार्लिक नान के साथ जो फ्लेवर आ रहा है ना यार, जो फ्लेवर आ रहा है नो डाउट बहुत अच्छा। मैंने अभी तक ऐसा खाना नहीं खाया, नहीं खाया तो भाई नहीं खाया, साफ सुथरी बात। अब करेंगे दाल मखनी टेस्ट, भाई गार्लिक नान बहुत अच्छा है, प्रॉपर गार्लिक का आया हुआ है अच्छे से सब कुछ। दाल मखनी देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। टेस्टी दाल मखनी है, इतनी टेस्टी पता नहीं सकता, बहुत ही मज़ेदार, बहुत मज़ेदार, खाने में मज़ा आ रहा है, मुँह में जाके ना एक फ्लेवर आ रहा है और एक मतलब भूल रही है दाल मखनी। भाई अब खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद बात करूँगा ठीक है, सॉरी यार पहले खाना खाने। यार खाना खा लिया हमने और पेट बिल्कुल फुल हो गया, और भाई खाना बहुत टेस्टी था, मैं फिर आपको बताऊंगा, बहुत ही यम्मी और सबका पेट फुल हो गया, फुल फुल एंड वेरी यम्मी, मज़ा आ गया। कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैं ब्लॉगर, फ्रेंकली स्पीकिंग माय एक्सपीरियंस टू गुड एंड फूड वाज यम्मी, बहुत ही अच्छा टेस्ट था खाने का भी, एम्बियंस भी अच्छा है, फैमिलियर सा एम्बियंस है, तो आप अपने यू नो फैमिली के साथ आ सकते हो, फ्रेंड्स के साथ भी आ सकते हो, सब कुछ बहुत अलग हट करके है यहाँ पर और काफी अच्छी है, अगर आप एक्सपीरियंस करते हैं तो बढ़िया है, आप कर सकते हो, और हम ये सॉन्ग खाएंगे। बढ़िया भाई, खाना बहुत अच्छा था, तो इस वीडियो को अब यहाँ से हम घर जाएंगे और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आपको इस तरीके से और इंटरेस्टिंग मेरे ब्लॉग्स आगे देखने हैं डेली लाइफ स्टाइल के ऊपर, तो भाई प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जिस तरीके की आपको वीडियो चाहिए, तो भाई इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।